दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से एक बंपर भर्ती निकली गई है जो कि 280 पदों पर निकाली गई है। 2021 की भर्ती है और बता दूं कि यहां पर जो पोस्ट है आपका वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो पूरे वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कब से भरना है, इसकी एग्ज़ाम फ़ी क्या रहेगी और जो डिटेल है कितनी पोस्ट है सारा कुछ बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट की। ठीक है, तो अब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भर सकते हैं, जो कि आप 21 मई 2021 यानी कि आज की डेट से ही भर सकते हैं और लास्ट डेट जो है इसके आवेदन करने के लिए आपको 10 जून 2021 यानी कि इसके बीच में आपको आवेदन करना है। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए जान लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो बता दूं आपको फुल टाइम जो है आपका बैचलर डिग्री, ठीक है, यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए जिसमें कि आपका 65% आपका अनिवार्य है, ये होगा तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है करके कि फाइनल ईयर एंड लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनका भी जो है 65% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ST SC जो PWD कैंडिडेट हैं उनको 55% यहाँ पर मार्क्स उनके BTEC में होना चाहिए। ठीक है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि पोस्ट का नाम क्या है आपका, तो इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपके पोस्ट का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एज लिमिट बता दूँ आपको मैं, यहाँ पर 27 साल जो है अपर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, इस तो यहीं तक के जो एज वाले लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने सारे पोस्ट जो है निकाले गए हैं। ठीक है, तो बता दूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए टोटल यहाँ पर जो है 98 जो है पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि जनरल वाले की अनरिजल्ट के यहाँ पर 40 पद हैं, EWS के 9, OBC 27 और इसी प्रकार SC ST के 14 और 8 हैं। ठीक है, और बात करें मैकेनिकल में कितने निकाले गए हैं, तो 126 टोटल जो है पद निकाले गए हैं मैकेनिकल में, जिसमें से अनरिजल्ट जो है 51 पद हैं, EWS के 12 हैं, OBC के 34 हैं, SC के 20 हैं और ST के 9 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों को यहाँ पर एक ही तरीके से काउंट किया गया है, जिसमें टोटल जो है 56 पद निकाले गए हैं, जिसमें से UR के 22 हैं, EWS के 6 पद हैं, OBC के 15 हैं, SC के 9, ST के 4 पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर बता दूँ कि मैंने बताया था आपको कि जो ये पोस्ट है ये इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पर जो दिया गया अपने को डिसिप्लिन उसमें से कौन कौन से कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यहाँ पर यदि आपने उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, इस तरीके से यदि आपने कुछ डिग्री ली हुई है तो भी आप इसके लिए मतलब एलिजिबल हैं। मैकेनिकल में इसी प्रकार से प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब ऑटोमोबाइल्स, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि हम बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर जो कोर्स भी आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा आपका। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आप जो हैं अपना गेट 2021 यदि आपने दिलाया होगा, ठीक है, तो जिन्होंने गेट 2021 जो है क्वालिफाई किया होगा वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको जो है गेट 2021 आपका जो है निकला रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों अगर बात करें कि इसकी एग्ज़ाम फ़ी क्या रहेगी आपको, तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को यहाँ पर 300 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं ST SC PWD एक्स या फिर फीमेल कैंडिडेट, उनको यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आपको बता दूं, अप्लाई करने के लिए आपको NTPC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आपको ये आपको जो कैरियर वाले जो ऑप्शन पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, आपको वहाँ पर ऑनलाइन करना है आवेदन अपना डिटेल्स भर करके। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है जनरल यहाँ पर कुछ जो है आपको गाइडलाइन दी गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दे दूँगा पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वही सब बात लिखी गई है कि आपको यहाँ पर इंडिया का जो है नेशनल आपका होना ज़रूरी है आपका, और ऑफलाइन आवेदन जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस तरीके की बात लिखी गई है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ आपको जानकारी दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।